जी हाँ, ये चिकड़ी भजनों का रंगारंग प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। ग्राम बांसरोली, तहसील कुमेर, जिला भरतपुर, राजस्थान में इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है फौजदार डीजे साउंड नदबई भरतपुर से। इसके गायक हैं मास्टर प्रेम सिंह ईश्वरती कठुमर अलवर से। ढोलक पर संगति कर रहे हमारे बड़े भाई सर्वो सुपर ईश्वरती से। हल्के हल्के झीका खटका रहे हैं भाई कपूर सिंह हिंगोली से। लीजिए रंगारंग प्रोग्राम। सबसे पहले सभी चिकड़ी के शौकीन श्रोताओं को प्रेम सिंह ईश्वरती की तरफ से नमामि नमस्कार, राम राम साहब। हर गायक आपके बीच में अपनी अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी देते चले जा रहे हैं और ये भी बता रहे थे, आप जैसे विद्वान लोग भी बताते हैं, ये मानव का जीवन 84 लाख योनि भोगने के बाद में मिला है। लेकिन कबीराज लिखते हैं, मूर्ख इंसान तू व्यर्थ में चिंता करता है, क्या लाया क्या पाया क्या खो दिया। सर्वो क्या लिखा है, सोच के क्या सोच के बता साथ ले करके आया क्या, और खाली दोनों हाथ जिनमें कुछ भी ना लायो है, मार के दहाड़े अब काहे गुरो रहो, ऐसो कहा गमानो जाए संग लेके आयो है, कितनी जमीन इन हाथन से क्या, कितनी जमीन इन हाथन से नाप ले, 3 गज जमीन जा में सब जगह समायो है, कहे कभी लखन कर प्रभु को भजन, हर ने पार बेड़ा देखो बहुत तन को लगायो है। सबसे पहले जिकड़ी की धरोहर, जिकड़ी को जन्म देने वाली माँ जननी जिसको बोलते हैं साखी, और साखी को गौर से सुनना है। साखी आध्यात्मिक, सर्वो क्या लिखा है, अरे माता पिता से नहीं कह सकती मेरी शादी कीजिए, फिर भी कह रही है क्यों, और मैया मेरो गोनो तोरी कराए दे, अरे आये लिलहार, अरे आये लिलहार, अरे बैठे हैं और तेरे देखो मैया मुए जला दी से बिदारी कराए दे, जाऊंगी ससुराल, जाऊंगी ससुराल, री समय नाए मेरे भरा टेबल डाले हमें, अरे मैया मैं जो खीरी तरह
कमल तेरी स्नान तू मला मला के स्नान तू कराए दे अरे माथे पे हला कोसो तिलका एक सौ एक रुपए का पुरस्कार। इसी बीच हरकाल पंच जी सरपंच पद के उम्मीदवार हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं, बारंबार अभिनंदन करते हैं। अरे माला माला के स्नान तू कराए दे अरे माला माला के स्नान तू कराए दे अरे माथे पे हलको सो तिलका। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार नहर सिंह सरपंच साहब हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं, बारंबार अभिनंदन करते हैं। लियो साहब नाहरे तो और ले लो, खुले ले खुले तुम देंगे जब ही तो आएंगे खुले। अरे माथे पे हलको सो तिलका हल लगाए दे। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार सुखवीर पहलवान जी हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। सर्वो अरे आवाता के खूब रहीम है तेरे अंगना अरे आवाता को खूब रहीम है तेरे अंगना अरे अब पहरूंगी प्रीतम है कोरी अब पहरूंगी प्रीतम कोरी कंगना अरे जिनके 51 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर रमवीर जी मेहरावल वाले पुरस्कार देते हैं, बारंबार अभिनंदन। अरे अब पहरूंगी प्रीतम है कोरी कंगना देख लो साहब सरपंच पद को तैयार है, सरपंच पद के लिए उम्मीदवार है और रुपया कह दे रहे 10 पैसा खर्च करना पड़ेगा। हर क्या ले घर दिया ले शिवचरण है साहब 10 रुपया तो पानना पड़ेगी, बड़ो पैसा उठे हमारी तेज हमारी ग्राम पंचायत में ना सुनी प्रकाश सरपंच ने 20 लाख तो उठा दिया, अब तक 20 लाख तो अब तक उठा दिए सरबो। अरे जिनके संग में कूदी खेली अरे संग ना जाएंगी मेरी संग की बार आखिर ही मोते खेल ले होली अरे बार आखिर ही मैया खेल ला होली लचकत जाएगी मेरी लचकत जाएगी मेरी ही ढोली। 51 रुपए का पुरस्कार हुकम सिंह बसैया वाले आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं, बारंबार अभिनंदन करते हैं। सर्वो अरे मैया मोते कर ले तू लाड़ा दुलार अरे जननी कर ले लाड़ा दुलार अरे लख लख हे अब ले जाएगो सजना मोते पुई तो दामोदर रसिया जिसको भरतपुरी रसिया भी बोलते हैं उसकी थोड़ी सी झलक सुनिए। अरे रहेगी कब तक पी हरम अरे पी हरम मेरी तो गुजारो
गा दे बस ठीक गान टाइम है का गा दे टाइम ने कभी तो कुछ करंट सो बने गानों गा दे टाइम जब तो मैं कह रहा हूं बनते मेरे की 25 मिनट को टाइम होना चाहिए ना का जो सुस्ती तो मिट गई होगी वैसे बढ़िया गाल कला चलो कोई बात नहीं सुनिए प्रसंग की तरफ गाना नहीं होगा जैसे आज अपनी सभा लगी है ऐसे ही दुर्योधन की सभा लगी है उस सभा के अंदर कुछ काशी के ब्राह्मण कुछ पंडित लोग आते हैं जैसे ब्राह्मणों को देखा आइए प्रदेव भोजन प्रसादी लीजिए बस एक सवाल रख दिया हमारे दिनों के बारे में देखिए आजकल हमारे दिन कैसे चल रहे हैं लेकिन दुर्योधन के सुन बेन विप्र ने वचन उचार्यो दुर्योधन के सुन बेन विप्र ने वचन उचार्यो और जो तुझ लैया छान कहूं ना मिलो सहारो त्यारी लगी जंग की नीम त्यारी लगी जंग की नीम और तुम सो भैया कौरवन को मारे गए किलो अकेला भीमसेन तुम्हारा काल बन गया है लेकिन एक मंत्री को बुलाया हलका रो दियो भेज दुष्ट ने प्रहता करण बुलाया है और हाथ पकड़ के कहने लगे हो फिर ऐसे वचन सुनाए है विप्र ने जो बात कही अरे विप्र ने जो बात कही तू या को ध्यान लगा ले और हम सो उनकी जान तेरे हाथ में है बचाना जान लेकिन बुलाया किसको विक्रण को दानवीर करण नहीं था जिसको करण विक्रण बोलते हैं और सर्वो किस तरीके से क्या जवाब दिया क्या बता लगा अरे फट जाए अंबरे धरन सुनो अवे और करण बात एक मीरी और ले पन्नन को ढूंढ रे छोरा कह रहे मत तुम जाओ पनी के पीछे कदाती तुम जाओ पनी के पीछे कदाती और अभी चक है कुल घाती सुन पंडित की पेन पीर मेरी भवा की रही है छाती सुन पंडित की पेन पीर मेरी फटी जात है छाती लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति है भारतीय सभ्यता है ये गांव गांव में प्रोग्राम क्यों लगाए जाते हैं कुछ उपदेश लेने के लिए क्यों ये हमारी समाज कुल पहलू इज्जत आबरू लेकिन सर्वो इंसान अपने दिल में अभिमान गरूर घमंड लिए बैठा है सर्वो भैया नाला ओए शांत बैठ जो गड्ढा खोदे और न को सुनिए जो गड्ढा खोदे और न को क्या मैं एक दिन खुद गिर जावेगो जो गड्ढा खोदे और न कोलम एक दिन खुद गिर जावेगो वो वे पेड़ बमूर न के फिर आम कहां दे इंसान फल की इच्छा कर रहा है केवल कर्म नहीं कर रहा है क्यों वृक्ष लगा दिया बमूल का और कहता है आम आने चाहिए बताओ आम आएंगे के पात्र आएंगे ना लेकिन सर्वो जगरे बीच लगावे मत ढकरा जगरे बीच लगावे मत ढकरा और अगले जन्म में बनेगो फिर क्या होगा फिर ढोलक पै धर जावे है गो जब घुमक ही घुमक बजेगो या ढोलक पै धर जावे गो जब घुमक ही घुमक